ओके सो नाउ विल बी स्टडिंग व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम सरफेस लेवल से ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, राइट? अगर नीचे जाएंगे सी लेवल से तो और बढ़ेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये प्रेशर कहाँ होता है? सो ये प्रेशर हर जगह होता है। इनफैक्ट अभी मैं आप सब लोग भी ये प्रेशर फील कर रहे हैं। लाइक सर अगर प्रेशर फील हो रहा है तो हमको पता क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ दिस प्रेशर। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। सो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज अंडर वाटर, ठीक है? लेट्स से दिस इज वाटर एंड दिस पर्सन इज अंडर वाटर। कितना अंदर ये? बहुत ज़्यादा नहीं। लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर यू जिससे आपको मे भी थोड़ा आइडिया मिले। ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट आई विल ट्राई। लेट से दिस इज द पर्सन, समथिंग लाइक दिस, सिंपल स्टिक ड्राइंग है ना, सबसे इजी बनाने के। सो दिस इज द पर्सन। नाउ टेल मी, अब जैसे अगर इंसान ऊपर होता, लेट मी ड्रॉ दिस पर्सन हियर, समथिंग लाइक दिस। बहुत छोटा पैर हो गया बट ठीक है, स्टैंडिंग लाइक दिस। एंड लेट से ऑन टॉप ऑफ हिज एंड ही हैव सम अमाउंट ऑफ वेट, लेट से देयर इज अ बास्केट एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस बास्केट इज फिल्ड विद समथिंग, सम काइंड ऑफ फ्रूट्स और आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग। लेट्स से इट इज फिल्ड विद सम काइंड ऑफ फ्रूट्स लाइक दिस। ओके नाउ बिफोर गेटिंग इनसाइड द लिक्विड, आंसर मी वन थिंग, क्या इसके सर पे जो चीज रखा हुआ है क्या उसको उसका वेट फील होगा? आई एम आस्किंग वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन विच इज वेरी ऑब्वियस आंसर, डेफिनेटली फील होगा, राइट? जो भी इस पर्टिकुलर बास्केट का मास होगा, ऑन दिस मास ग्रेविटी विल एक्ट, मास इनटू ग्रेविटी, सम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी फेल्ट बाय दिस पर्सन ऑन हिज हेड, इसके सर पे उसको तो फोर्स फील होगा। जो भी सरफेस एरिया होगा जिसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है उसके वजह से इसको प्रेशर फील होगा। ऑब्वियस अगर जितना इसको आप बढ़ाओगे उतना उसको ज़्यादा फील होगा, राइट? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि इसके ऊपर जो भी चीज़ है उसका वेट सर पे फील होगा। नाउ टेल मी दिस, जब ये सेम पर्सन पानी के अंदर जाता है, ठीक है? अब देखो इसके ऊपर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है थोड़े बहुत ना, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल्स जो इसके ऊपर है। सो लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, क्या इन सब मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा? आंसर इज यस, डेफिनेटली कर रहा होगा। तो मैं सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ जो उसके सर के ऊपर है। अगर इन पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो क्या इनके वेट की वजह से इसके अपने सर पे एक प्रेशर फील होगा? होगा, डेफिनेटली होगा, राइट? सो इसके ऊपर जो पानी है उसका वेट भी उसके सर पे लगना चाहिए और उसके वजह से भी उसको प्रेशर फील होना चाहिए, राइट? सो अगर मैं इस इंसान को थोड़ा और डेप्थ में लेके जाऊँ, पानी में थोड़ा और डीप लेके जाऊँ, लेट से और अंदर लेके गए इसको, ठीक है? ये थोड़ा और नीचे आ गया, चलो। सो अब क्या होगा, अब उसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ गए ना, ये देखो। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से इसको सर पे ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्यों? उनका वेट बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल में समझाने ट्राई कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज, जितना ये नीचे जाएगा उतना उसके ऊपर ये वाटर का जो कॉलम ही बढ़ती जाएगा, उसकी वजह से उसको यहाँ पे प्रेशर फील होगा, वो भी हम एच रो जी से चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो बॉटम लाइन इज The deeper the person goes, the more pressure he will feel, right? Obviously, actually प्रेशर सभी जगह पर लगेगा उसको, बट वो हम पास्कल फ्लो में देखें, अगली सिंपल लगते हैं इसको। तो इसके सर पर इसको ज़्यादा प्रेशर फील होगा, और अंदर जाएगा और प्रेशर फील होगा, जितना डीप जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा। इसके वजह से देखो जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग जो करते हैं या फिर जो प्रोफेशनल डाइवर्स भी होते हैं जो पानी के अंदर बहुत डीप जाते हैं, उनका भी एक लिमिट होता है। आप चाहे कितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाओ, इफ यू गो वेरी डीप इनसाइड अ सी और लेट्स से वेरी डीप इनसाइड इन ओशन, आप बहुत डेप्थ में जाते हो, तो एक टाइम के बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज इनॉर्मस प्रेशर, इतना प्रेशर होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप बहुत अंदर चले गए तो आप शायद सांस भी ना ले पाओ, दैट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर सिलेंडर साथ में लेके भी जाओ ना तो भी आप सांस नहीं ले पाओगे, वाई? बिकॉज प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इज सो मच यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, आपके जो लंग्स है वो तरीके से प्रॉपरली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सफोकेशन फील होगा आपको, हैवीनेस फील होगा। तो हम जितना डीप जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता है, इसलिए डाइवर्स भी एक लिमिट के बाद अंदर नहीं जाते। अगर आपको ओशन के एकदम डेप्थ पे जाना है, नीचे एकदम जाना है, ठीक है, उसके जहाँ पे आपको लैंड मिलेगा एकदम पानी के नीचे तक,
बहुत देता है, तो उसके लिए वो लोग कुछ डिवाइस यूज करते हैं, कोई छोटा सबमरीन जैसा डिवाइस जो पानी के अंदर जा सके, कि वो प्रेशर सह सकता है, डायरेक्ट बॉडी हमारा प्रेशर नहीं सकता, सो प्रेशर नहीं सह सकता। तो पॉइंट इज, आप जितना डीप जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन चेंज करता हूँ, ठीक है, हमको पता है जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, चलो हमने देख लिया, पर अगर मैं इस इंसान के सर से ये मैंने जो वेट रखा था वो हटा दूं, क्या अब उसको प्रेशर फील होगा? बिलाग नहीं सर, नहीं होगा, वेट हटा दिया ना हमने, पटना है फ्रेंड्स। जैसे ये इंसान एक फ्लूड के अंदर था, पानी भी फ्लूड हो गया, फ्लूड के अंदर था, वैसे ये इंसान भी एक फ्लूड के अंदर, एंड दैट फ्लूड इज एयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम एक बड़ा पिक्चर देखें, इसके अंदर देखने ट्राई करते हैं, लेट्स से अगर हम इमेजिन करें इसे इंसान को, बट थोड़ा दूर से देखें इसको, तो हमें क्या देखने मिलेगा बताएं? दिस इज अर्थ एंड दिस इज दैट पर्सन स्टैंडिंग, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये अर्थ के आसपास ये जो एयर है, ये जो गैस का लेयर है पूरा, लेट्स से दिस इज माई एटमोसफियर, राइट। सो ये एटमोसफियर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, इन सब का वेट इसको फील होगा, और जैसे पानी के अंदर ऐसे इसके ऊपर यहाँ पर फील होगा, इसी को हम कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बताया, एग्जैक्टली वैसे नहीं लगता, एक्चुअली सभी डायरेक्शन में लगता है ऐसा, वो आगे पास्कल्स लॉ में देखेंगे एक बार, ठीक है। बट द थिंग इज, सभी के लिए समझने के लिए इतना भी काफी कि इसके ऊपर जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं उन पर भी ग्रेविटी लग गया, उनका भी वेट होगा, ये वेट इसको फील होगा, और इसी प्रेशर को, इस वेट के वजह से जो प्रेशर फील होगा ना, कोई इसके फोर्स के वजह से जो प्रेशर फील होगा, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच यू ऑफन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज 180 atm, शॉर्ट 180, व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, दिस इज समवॉट 1.013 × 10⁵ न्यूटन्स, ठीक है। ये आपका प्रेशर है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, सॉरी, राइट, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, सो सिंपली वी राइट दिस एज 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1.013 इज ऑलमोस्ट 1, राइट, इसको हम 1 bar भी कहते हैं। सो पॉइंट इज, दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, लेट से यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अ माउंटेन, सम वेरी माउंटेन एट वेरी हाइट, वेरी हाई माउंटेन, दिस बहुत ऊंचा है, तो अगर ये इंसान सेम यहाँ पे होता तो ऑब्वियसली बात है कि इसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब कम होते, जिसके वजह से आपको यहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम फील होता, करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमको हर जगह फील होता है, एंड दिस अमाउंट इज वेरी हाई, माई फ्रेंड्स 10⁵ पास्कल बहुत ज़्यादा होता है। सो हम क्या करेंगे, आगे कंपेयर करने ट्राई करेंगे, 10⁵ कितना होता है, दिस इज वेरी लार्ज नंबर, सो वाई वी डज नॉट फील दिस, तो वो हम देखेंगे पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ में उसका रीजन है, इतना सारा प्रेशर फील हो रहा है हमारे ऊपर ऑलरेडी है, तो वाई वी डज नॉट फील इट, हमको फील हो रहा है एक्चुअली बट हमको पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, पास्कल लॉ में देखेंगे, लेट्स जस्ट सेव दिस फॉर पास्कल लॉ, ठीक है। सो आई होप यू हैव रफ आइडिया व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हम जितना ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे पानी के अंदर जितना डीप जाएंगे उतना आपका यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, एक्चुअली आपको इसके ऊपर प्रेशर निकालना, तो ये प्रेशर और प्लस ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों निकालना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है।